हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि लगातार आपके लिए जो वैकेंसीज निकलती रहते हैं वो वीडियो के रूप में आपके सामने लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको लगभग 3 ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ पे ये वैकेंसीज चल रही हैं। अलग अलग जगह हैं, अलग अलग लोकेशन है, अलग अलग हॉस्पिटल और कंपनीज के द्वारा सिलेक्शन किया जा रहा है। सैलरी आपकी लगभग 18,000 से स्टार्टिंग होके 80,000 तक जाने वाली है। अलग अलग जगह अलग अलग सैलरी रहने वाली है। और आपको बता दूं कि कल एक वीडियो लाने वाला हूं मैं, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप स्टाफ नर्स की जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम्स में आते हैं, उनकी प्रैक्टिस कहाँ से करें। ऑनलाइन आप इंटरनेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टाफ नर्स के लिए कल ले आऊँगा, और उसके बाद हो सकता है कल ही लैब टेक्नीशियन के लिए भी प्रैक्टिस के लिए जो वेबसाइट है या जो आपको टोटल जानकारी दे दूंगा कल। तो दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है प्लेटिनम हॉस्पिटल्स मुलुंद में। निकली हुई है स्टाफ नर्स की वैकेंसी। मुलुंद हॉस्पिटल कहाँ है? नवी मुंबई में है। स्टाफ नर्स की पोस्ट है, आपने GNM या ANM कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लोकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, थाने मुंबई, थाने मुंबई जिसे हम बोलते हैं वहाँ पे है। एक्सपीरियंस 2 से 7 साल का होना चाहिए। सैलरी आपके 18,000 से 30,000 रुपये पर मंथ रहेगी। और इसमें यहाँ पे जो रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि आपका जो स्टाफ नर्स का काम होता है वही आपको केवल करना पड़ेगा। आगे आपको बता दूँ कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये जो gmail ID दिख रही है, सॉरी ईमेल दिख रहा है, HR@PlatinumHospitalsMulund.in, इस पर आपको अपना CV या रिज्यूम सेंड करना है। उसके बाद आपको उधर से रिप्लाई आ जाएगा, और मैं ये जो लिंक होता है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ। जैसे ही आप कमेंट बॉक्स खोलेंगे, ऊपर ही आपको सारी लिंक पिन हुई मिल जाएंगी, या फिर कोई कमेंट जो मैंने पिन कर रखा हो उसमें आपको सारी लिंक मिल जाती हैं। तो आप परेशान मत होइएगा। टोटल वैकेंसी 10 हैं, फुल टाइम वैकेंसी हैं, और यहाँ पर एड्रेस भी दे रखा है। इंटरव्यू डेट आपकी 9 से स्टार्ट होगा और 27 तक चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी वैकेंसी की तरफ। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है TMC रिक्रूटमेंट 2020 के तहत। डायरेक्ट इंटरव्यू से आपकी वैकेंसी फुल की जाएगी। टाटा मेमोरियल जो हॉस्पिटल है वहाँ पे पोस्ट का नाम स्टाफ नर्स है। एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। GNM अगर आपने कर रखा है तो 30,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के रूप में मिलेंगे, और BSc नर्सिंग कर रखा है तो आपको 32,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन आपको बता ही दिए कि आपने GNM कर रखा हो या फिर BSc नर्सिंग कर रखा हो। आपका सिलेक्शन कैसे होना है? तो सिलेक्शन के लिए आपको ये दिए हुए एड्रेस पे आपको जाना है। साथ में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, साथ में जो हेपेटाइटिस बी होता है उसका एक टेस्ट का रिजल्ट लेके जाना है, वो वहाँ पे नेसेसरी कर दिया है। टाइमिंग आपकी 10 से 2 बजे तक रहेगी, और जो डेट है वॉक इन इंटरव्यू की डेट वो 14:05 से चल रही है, और 14:06 तक यानी 14 जून तक रहने वाली है। अगर आप कोई इंक्वायरी करना चाहते हो तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप यहाँ पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है या रुक गया, उसके बाद ही वहाँ पे जाएं। तो चलिए अपने चलते हैं लास्ट वैकेंसी की तरफ। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है KDMC स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट MO मेडिकल ऑफिसर की जॉब है। लगभग 514 वैकेंसी हैं, और महाराष्ट्र में इसकी लोकेशन है। सैलरी आपकी 18,000 से 65,000 तक रहने वाली है। ये जो जॉब है वो इस वेबसाइट पे 10 जून को पोस्ट की गई है। आगे बात करते हैं, सैलरी मैंने आपको बताई दी है, और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो स्टाफ नर्स की लगभग 305 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन GNM या ANM कर रखा हो, और जो वार्ड बॉय है उसकी 10th क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आगे बात करते हैं, एज आपकी 37 से 59 के बीच में ही होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। पे स्केल आपकी 20,000 से 50,000 पर मंथ तक रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। टोटल अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैं कमेंट बॉक्स में इस लिंक को डाल दूंगा। लिंक आप खोलना, और आपको नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला कॉलम है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। उसी के लास्ट में एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगा होगा, उसको आपको प्रिंट करना है, उसको फिल करना है, और आपको
जो नोटिफिकेशन होगा उसमें आपको दिया हुआ एड्रेस या फिर ईमेल आईडी वहाँ पे आपको भेज देना है। जो लास्ट डेट सबमिशन की ऑनलाइन ही होगा मोस्टली, जहाँ तक है 11-12 जून है लास्ट डेट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वीडियो, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कल आपके लिए एक नई वीडियो आएगी जो आपको बहुत सारी मदद करेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।